मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर से भादौ महीने के दूसरे सोमवार को भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल 10 स्वरूपों में प्रजा को दर्शन देने निकले। शाम करीब 4 बजे कमिश्नर डॉक्टर संजय गोयल ने महाकाल के चंद्रमौलेश्वर व मन महेश स्वरूप का पूजन किया। इसके बाद मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी राजाधिराज को सलामी दी। सवारी मंदिर से छिपरा नदी की तट की ओर रवाना हो गई। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक दिन की शिव चर्चा के लिए सोमवार को इंदौर आए। कनाडिया रोड स्थित प्रेम बंधन गार्डन में संबोधित करते हुए पंडित मिश्रा ने कहा कि जब हम शिवलिंग पर एक बूंद भी जल चढ़ा रहे होते हैं, तब उन्हें अपने मन की बात कह रहे होते हैं। यह शिव से साक्षात मिलने जैसा है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आया। भगवान राम, कृष्ण और गौतम बुद्ध कोई भी हो, उनके अवतारी जीवन में भी संघर्ष आया। जीवन में संघर्ष से जूझना और निपटना सीखना होगा। शाम को प्रवचन के बाद कथा का समापन हुआ। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर में भादौ के दूसरे सोमवार को 2 मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हाजिरी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार तीसरे सोमवार महाकाल के दर्शन किए। वे पत्नी साधना सिंह चौहान और बेटे कुणाल चौहान के साथ पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ गर्भगृह और नंदी हॉल में 40 मिनट तक महाकाल का पूजन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदुरप्पा ने भी महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। वे भी अपने परिवार के साथ पहुंचे। इससे पहले तड़के हुई भस्म आरती में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। भिंड में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने वाले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तमिलनाडु में डीएम की सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर पिछले दिनों दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह सनातन धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। सनातन धर्म में खून खराबा अच्छा नहीं माना जाता, इस वजह से ये इतना बोल रहा है। दूसरे धर्म के प्रति बोला होता तो अब तक इसका सर तन से जुदा हो गया होता। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर राज्य वन शहीद स्मारक एवं चंदनपुरा नगर वन का लोकार्पण किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब तक वनों की रक्षा करते हुए शहीद के परिवार को 10 लाख की सम्मान निधि दी जाती है। उस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा। पर्यटकों के यहाँ घूमने के लिए खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। नगर वन इसलिए भी खास है कि इसके चारों ओर करीब 12 फीट ऊंची जाली की फेंसिंग है। इससे यहाँ बाघ, भालू और अन्य वन्य प्राणी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहाँ भ्रमण करने वाले सुरक्षित रहेंगे। नगर वन में करीब 300 प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं। भीतर वाहनों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।